मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आज राजभवनला में शिकायत निवाकरण शिविर लगाया गया। इसके साथ ही कंपनी ने सारे शहर में जनता की बातें सुनने और उनकी शिकायतों का निवाकरण करने के लिए शिविरों की श्रृंखला आयोजित करने की शुरुआत कर दी है। इस पहले शिविर में ही शिकायत करने के लिए नागरिक नहीं पहुंचे और भारी पुलिस बल के बीच अधिकारियों के साथ बैठे हुए कांग्रेसी नजर आए। परेशानी आ रही है आज की इस परेशानी अभी पिछले 3 महीने पहले कालानी नगर में जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उसे पूरा कालानी नगर में जो 2 महीने से बिल आ रहे हैं वो फेच नहीं हो रहे हैं और पुरानी रीडिंग जो थी उसके बाद से रीडिंग आना बंद हो गई तो अब केवल मिनिमम बिल आ रहा है। 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब मीटर की रीडिंग फेच होगी तो आप जनता को आम जनता को जो टेरिफ रेट है वो ज़्यादा लगेगा, इससे बहुत समस्या आ जाएगी तो इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। ये कैंप जो लगा इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं। और आज आपने शिकायत कही है तो क्या कहा गया? अभी कहा है कि 1 महीना और आपको रुकना पड़ेगा, अगले महीने में आपकी रीडिंग फेच होगी तो 3 महीने के बाद एक साथ बिल आएगा तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में एक एक करके कन्वर्ट करेंगे। अब पूरा कालानी नगर ये जोन में आकर कन्वर्ट करवाएगा, बहुत परेशानी आ रही सर इसका। मैं सौरभ जैन हूँ, 305 कालानी नगर। परम पूजनीय आत्मज्ञानी पुरुष दादा भगवान परम पूजनीय आत्मज्ञानी डॉक्टर नीलू माँ और दीपक भाई से आशीर्वाद प्राप्त आपके पुत्र का आत्मा में विषय में सत्संग का कार्यक्रम श्री लाल नगर में केला देवी मंदिर पर 17 मई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक रखा गया है। कोलकाता में 80 वर्ष मरीज की मौत के बाद से अस्पताल पर हमला कर डॉक्टर से मारपीट में एक डॉक्टर युवा को कोमा में पहुंचाने की घटना से देश भर के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। शनिवार को भी डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांध कर 2 घंटे काम बंद रखा। इसका असर इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पर भी देखने को मिला। वी आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ। हम हॉस्पिटल्स में रहते हैं, हमारी पूरी आइडेंटिटी यही है कि हम सब आज यहां पर क्या है, व्हाइट कोट पहन के हम सब डॉक्टर्स हैं, हम सब यहाँ पर अपना बहुत टाइम देते हैं, नॉट बिकॉज वी आर मजबूर फॉर दैट। करो ये अत्याचार, नारा साईं नहीं चलेगी, नारा साईं नहीं चलेगी, मरीज की रक्षा हम करेंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, नारा साईं जो है वो आगामी उसकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो भी आगामी रणनीति रहेगी उस पर हम लोग पूरी तरीके से विचार करेंगे। जो आज हुआ उस पर भी कल बहुत देर तक हम लोगों ने करीब काफ़ी लोगों ने मिलके उसके क्या प्रोस हैं, क्या कौन से हमारे पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं ये सब सोचा गया। तो इमीडिएट हम लोग किसी भी प्रकार के इम्पल्सिव एक्ट में नहीं आएंगे, हम लोग जो भी है सोच विचार के करेंगे, लेकिन उसमें हम किसी भी प्रकार से अपना पर्सनल हित उसमें नहीं छोड़ेंगे कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्ट अगर लेना पड़ेगा तो हम लेंगे डेफिनेटली, लेकिन हम वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इतने जूनियर डॉक्टर तो मरीज इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मरीज इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे अगर आप अपने डॉक्टर्स को उनके मॉरल ग्राउंड्स पे आगे के लिए भी काम करने से देने से रोकते हैं। अगर आप मुझको आज थप्पड़ मारते हैं तो मेरे अंदर का डॉक्टर काफ़ी दिनों के लिए मर जाएगा, मैं पूरी तरीके से सिर्फ यही रहेगा, मैं भी उसी रूटीन में आ जाऊंगा कि ठीक है एक जॉब है उसको जॉब को करना है, जैसे शिफ्ट चेंज होती है वैसे शिफ्ट चेंज होंगी। आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, आज हम कहीं भी होते हैं हम कभी भी डिनाई नहीं करते कि हमारी क्या सर्विस, हम कभी भी किसी से ये चीज़ डिनाई नहीं करते कि हमारे ड्यूटी आवर्स क्या है, हमारे वर्किंग आवर्स क्या है,
हम जो भी ड्यूटी आवर्स हैं उसके बियॉन्ड भी हमको काम करना होता है, हम करते हैं, हम हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन एक बात ये रहती है, अगर मुझको ऐसा लगेगा पर्सनली कि इतना कुछ करने के बाद भी व्हाट वी आर गेनिंग फ्रॉम द सोसाइटी और व्हाट वी आर गेनिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन इट्स ऑल वेस्ट, देन एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली हमारे अंदर जो जुनून होता है काम करने का वो मर जाता है। एक डॉक्टर जब बनता है तो वो बहुत मेहनत से बनता है, हम काफ़ी टाइम देते हैं अपना, और अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो फिर वो गलत है। जी आज आपका दूसरा दिन है, आपको कोई आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, केंद्र की तरफ से कोई आपके पास लेटर आश्वासन आया है इस तरीके से नहीं होगा कुछ, आपको जानकारी आई है इसकी, या आपसे कोई अधिकारी मिलने आया है? देखिए अभी हमसे कोई ऐसी औपचारिक अधिकारी मिलने के लिए नहीं आए हैं, हालांकि एक न्यूज़ ज़रूर ब्रीफ हुई थी, उसके सोर्सेज अभी हम लोग जस्ट पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, बट अभी हम लोग उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई और चेक नहीं कर पाए हैं। और अगर कोई सॉलिड आता है हमारे पास, कोई हमारी प्रॉब्लम्स को मांगा जाता है, तो डेफिनेटली दैट वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग दैट वी ऑल कैन एवर हैव। मैं डॉक्टर शशांक सिंह बघेल, JDA प्रेसिडेंट इंदौर। परम पूजनीय आत्मज्ञानी पुरुष दादा भगवान परम पूजनीय आत्मज्ञानी डॉक्टर नीलू माँ और दीपक भाई से आशीर्वाद प्राप्त आपके पुत्र का आत्मा में विषय में सत्संग का कार्यक्रम मिश्री लाल नगर में केला देवी मंदिर पर 17 मई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक रखा गया है।